यूक्रेन जंग को 24 फरवरी को एक साल पूरा होने जा रहा है। इससे ठीक 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के लोगों को संबोधित किया। पुतिन ने कहा, रूस ने शुरुआत में जंग को टालने के लिए तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशें की, लेकिन नाटो और अमेरिका ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। हम अभी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें मंजूर नहीं हैं। पुतिन ने कहा कि लगातार नाजी खतरों से जूझ रहा रूस यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन कर रहा है। अपने भाषण में पुतिन ने प्रमुखता से भारत का जिक्र करते हुए कहा कि रूस भारत के साथ अपने सहयोग और व्यापार को बढ़ाना जारी रखेगा। उन्होंने एशिया में भारत, चीन आदि देशों से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विस्तार की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रूस विदेशी आर्थिक संबंधों का विस्तार करेगा और नए लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाएगा। वहीं पुतिन ने अमेरिका पर हमलावर होते हुए कहा कि अमेरिका और उसके साथी महज अपना दबदबा बढ़ाने की साजिश की खातिर दूसरों को मोहरा बना रहे हैं। वेस्टर्न पावर ने ही जंग के जिन को बोतल से बाहर निकाला है और वो ही इसे वापस बोतल में डाल सकते हैं। हम तो सिर्फ अपने देश और लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं और यही कर भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिग न्यूज। तुम что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные, что необходимо честное партнерство, в принципе отрицающее любую исключительность, тем более агрессивную. Мы были открыты.